वेलकम टू रेखास किचन। आज मैं एक डिजर्ट बनाने जा रही हूँ, तो वो है डेट पुडिंग। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सेल्फ राइजिंग फ्लावर, एग, ब्राउन शुगर, डेट, बटर और बेकिंग सोडा। डेट पुडिंग बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो हमें 1 कप वाटर लेना है। फिर उसमें जो मैंने स्मॉल डेट्स काट के रखा है वो डालना है और उसे मीडियम हीट पे रखना है। डेट्स और वाटर को हमें 5-6 मिनट तक ऐसे पॉट में चलाना है। फिर 5-6 मिनट के बाद उसे साइड में रख देना है। अब हमारा डेट्स का जो मिक्सचर है वो रेडी है, तो उसे हम साइड में रख देंगे। मगर साइड में रखने से पहले मैं उसमें बेकिंग सोडा डाल दूंगी और फिर साइड में उसे कूल होने तक रख देंगे। डेट पुडिंग के लिए जो दूसरा स्टेप है वो हमें जो बटर लिया था वो एक बाउल में डालना है। उसके साथ मैंने जो ब्राउन शुगर ली वो भी हमें साथ में डाली। फिर हमें इलेक्ट्रिक मशीन से बीट करना है। बटर जो है वो हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है। अब हमारा जो बटर और जो शुगर का मिक्सचर है वो अब अच्छे से मिक्स होके रेडी है। अब उसमें मैं एग डालूंगी और उसे भी हम बीट करेंगे। अब हमने शुगर, बटर और एग सब कुछ मिक्स कर लिया। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो सेल्फ राइजिंग फ्लावर है वो हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद फिर उसे ऐसे हिलाते रहना है। हमें फ्लावर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि उसमें गट्ठे ना पड़ जाए। अब मैं जो मैंने डेट्स का मिक्सचर बनाया था वो ठंडा हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी। और मैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब हमारा मिक्सर रेडी है, उसे हमें बेक करना है 350 पे, उसे 30 मिनट तक बेक करना है। अब हमें जो डेट पुडिंग है उसके पर गार्निशिंग करने के लिए बटर स्कॉच सॉस बनाना है, तो वो मैं अब बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जो लिया है वो क्रीम है, बटर है और शुगर है, ब्राउन शुगर है। उसे 2-3 मिनट तक ऐसे हिलाते रहना है। जब वो अच्छी तरह मेल्ट सारा कुछ हो जाए फिर बाद में उसे साइड पे रख के इससे गार्निशिंग करना है। अब हमारा जो पुडिंग का मिक्सर है वो बेक होके रेडी है, उसे हम अब बटर स्कॉच सॉस से गार्निशिंग करेंगे। फिर उसके पर हम वेनिला आइसक्रीम रखेंगे। अब हमारी जो डिज़र्ट की डिश है वो रेडी है।